हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उज़ान और इर्शाद तो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी उज़ान बेबी की वजह से भी जो चारा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा वो सब कुछ करेगा बेबी के लिए, लेकिन वो चारा को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो फ्रेंड जो चारा होती है वो बहुत ज़्यादा इर्शाद को जेलस फील करवाने की कोशिश करवाती है, लेकिन फ्रेंड जो इर्शाद फाइनली उसे पता लग जाएगा कि जो चारा बहुत बड़ा झूठ बोल रही है उज़ान से, क्योंकि वो बेबी उज़ान का नहीं है बल्कि मैट का है। और देखें फ्रेंड्स, वो उन दोनों की बातें भी सुन लेती है, लेकिन अब देखते हैं वो उसने सच में सारी बातें सुनी हैं या फिर जो चारा एक फिर से झूठ बोलेगी। क्योंकि फ्रेंड जो चारा वो सबको फूल बना रही है, स्पेशली उज़ान को, और इसलिए ताकि जो उज़ान और इर्शाद एक कभी भी इकट्ठे ना हो सकें और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर सके बेबी को लेकर। वो फ्रेंड जो चिनार है वो तो चारा पे बिलीव करेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था। देखिए फ्रेंड्स, अब मैट है कब तक उज़ान को सारा सच बताता है कि जो चारा उसे झूठ बोल रही थी और कितना बड़ा सीक्रेट उसे छुपा रही थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसरा उज़ान अगर इसरा को सारा सच पता लग गया तो उज़ान और इसरा के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो उज़ान है कभी भी चारा को माफ़ नहीं करेगा। वो फ्रेंड्स वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा है चारा पर। तो देखें अब क्या बनता है, चारा का सारा सच एक्सपोज होने के बाद उसका क्या बनेगा। और जो मैट है अब वो भी हो सकता है कि वो चारा को ब्लैकमेल करे ताकि वो उसके बाद बदले उससे पैसे मांग सके, क्योंकि वो उसको कहता है कि उसको पता है कि इस बेबी का जो फादर है वो है और जो चारा उसे बच्चा पाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फिर क्या बनता है चारा का, उज़ान का और इसरा का, और जो मैट है कब तक उज़ान और इसरा को सब कुछ बताएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। और जो चारा इतनी आसानी से बच नहीं सकते अगर इसरा ने सब कुछ सुन लिया है, और सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। फाइनली इसरा उज़ान का दोबारा से पैचअप होगा और इन दोनों के दरमियान सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। सारा सच जाने के बाद सब कुछ दोबारा से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसरा उज़ान अब डिजर्व करते हैं एक साथ रहना, और अब इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या बनता है स्टोरी में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, स्पेशली उज़ान और इसरा की स्टोरी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू।